वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टू का बिट नंबर टू। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर टू का बिट नंबर टू देखो यहाँ पर क्या लिखा है आपको बुक में। तो दूसरा फिगर यहाँ पर गिवन है हमें, ठीक है। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर बिट वन टू का बिट वन, तो आई थिंक सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर टू का बिट वन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का बिट टू फिगर। तो बिट टू फिगर देखो यहाँ पर ऐसा किया हुआ है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर दिया पी क्यू एस एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर क्या है फिगर में पी आर एस। आई थिंक सब बच्चों को पिछला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, तो ये कॉन्सेप्ट भी जल्दी समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो पी क्यू एस और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर क्या है पी आर एस है, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रेंट होंगे कि नहीं हम पता करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हम देखते हैं पहले। देखो इस फिगर का मैंने कटिंग करके रखा है, देखो ये वाला, देखो देखो उस तरह है ना, सेम फिगर है। देखो अब मैच कर लो, दोनों मैच कर लो, ये दोनों फिगर क्या है आपका सेम है। देखो आपके बुक में जैसा है मैंने भी वैसे एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब सर ये क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है? यस बच्चों कॉन्ग्रेंट है। देखो कैसे कॉन्ग्रेंट है, देखो इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखो ये सब चीजें ना कंप्यूटर में दिखा नहीं सकते, हम लैपटॉप में दिखा नहीं सकते, इसीलिए इस तरह का जो कॉन्ग्रेंट जो स्पेशली जो कॉन्ग्रेंट चैप्टर है उसको मुझे ऐसे ही बनाना है। इस तरह की वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट से आ रहा था और थोड़ा मैं बिजी भी चल रहा था इसलिए। तो क्योंकि मैं सोचा था जब मैं पढ़ाऊंगा अच्छी तरह ही पढ़ाऊंगा, क्यों मैं बच्चों को मतलब ऐसे कंप्यूटर में लैपटॉप में समझ में भी नहीं आएगा, तो इस तरह से मैं पेपर कटिंग करके पढ़ाना चाहता था, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर टू का टू का बिट वन हमने समझ लिया था पिछले वीडियो में, जो बच्चे नहीं देखे जाके देख लो। अच्छा बिट टू देखो, तो फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो ये से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, आपके सामने में दिखा रहा हूँ ना, इसको मैं मोड़ दिया, ऐसे ऐसे में इसको मैं मोड़ दिया। देखो एक ही ट्रायंगल है, देखो आपको पता भी नहीं चल रहा है एक ट्रायंगल है दो ट्रायंगल है। देखो क्योंकि इसको ओवरलैप फुल इसको कवर कर रहा है, फुल अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को फुल्ली कवर कर रहा है इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रेंट है। हमने ये सब चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले से। अच्छा इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अब रहा सवाल कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे इसके, ठीक है। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढो, आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि मेजरमेंट तो दिया ही है यहाँ पर। अगर मेजरमेंट नहीं गिवन किया होता तो अभी आपको समझना पड़ेगा। देखो जैसे मैं आपको सिखाया था इसे ये घुमा के रखा होगा, रखा है ना इसको, ऐसे फिगर ऐसे था, ट्रायंगल दोनों ऐसे थे, उसको फिर ऐसे क्या किया उसको जोड़, ऐसे आपस में दोनों को ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है। जोड़ने से क्या हो गया, अब देखो ध्यान से, अब मैं आपसे पूछूं यहाँ फिगर में देखो, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे पेपर कटिंग नहीं करना है, एग्जाम में आपको ये फिगर सिर्फ गिवन किया होगा, तो एग्जाम में आपको ये फिगर देख के ही आपको पता करना है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे। यहाँ पर तो मेजरमेंट गिवन कर दिया है, आपको पता चल ही जाएगा, बट इनकेस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन है जहां पर मेजरमेंट नहीं गिवन किया होगा, आपको फिगर देख के समझना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे उसके। तो यहीं पर क्यों ना आप समझ लो अच्छी तरह, यहाँ तो मेजरमेंट देखो पता चले जाएगा कि पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, पी आर ही होगा। बट आप खुद समझो क्यों पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपका पी आर होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पर देखो, देखो ध्यान से देखो इस फिगर को, ध्यान से देखो जो पेपर कटिंग किए हैं, तो ध्यान से समझो इस चीज को। ये दोनों ट्रायंगल थे आपके जिसे मैं यहाँ पर पकड़ा हूँ पी क्यू एस, देखो यहाँ पर पी ये हुआ क्यू ये हुआ एस आपका, ठीक है पी क्यू एस, और यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल है पी आर एस, ठीक है। अच्छा अब मैं दोनों ट्रायंगल को ऐसे बंद करता हूँ तो एक ही ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब ये एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को फुली कवर करता है, इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रेंट है। अच्छा अब रहा सवाल, अगर मैं आपसे पूछो पी क्यू, ये जो पी क्यू है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, तो देखो ना पी क्यू जो साइड को कौन सा साइड उसके ऊपर चढ़ गया है, देखो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से ऐसे मैं करके कर दिखा रहा हूँ। देखो ये जो हमारा पी क्यू जो साइड है हमारा, ये जो हमारा पी क्यू साइड है, पी और क्यू जो साइड है उसको कौन साइड कवर कर दे रहा है। देखो मैंने कहा था पिछले जो स्टार्टिंग की वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, सात बच्चों सेवन इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया हूँ जाकर देखो, ठीक है सेवन पार्ट बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए मुझे समझाना था, अच्छे से समझाया हूँ जाकर देख लो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का एक वीडियो होगा, सारे पार्ट आपको देखना है। तो जो बच्चे देखे हैं वीडियो मैं उनको सब पता ही होगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। देखो तो पीक्यू का बच्चों कौन होगा, सब बच्चे जो मेरे पिछले क्लास किए हैं सबको पता होगा कि पीक्यू के ऊपर कौन कौन उसके ऊपर चढ़ गया है, कौन सा साइड ना पीआर चढ़ गया, इसका मतलब पीक्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा पीआर होगा। और यहाँ पर ये कॉमन है तो खुद इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे मोड़ने से क्या होता है पीआर पीएस तो खुद पीएस के ऊपर चढ़ क्योंकि पीएस दोनों का कॉमन पार्ट है, पीएस जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है, तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ही, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ही वो। और रहा सवाल इसका QS का भी क्या होगा आपका, QS का क्या होगा आपका RS होगा, फिर SR बोलो कोई बात नहीं। तो क्यों ऐसा होता है, जब मैं इसको एक ही ट्रायंगल में जब कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होता है, देखो ये जो QS साइड को कौन सा साइड कवर करता है, देखो QS साइड को कौन सा साइड कवर करता है RS साइड, ऐसे देखो मैं इसको बंद करता हूँ, देखो तो QS साइड को फुली किसने कवर कर लिया, RS साइड ने कवर कर लिया, इसका मतलब QS जो साइड है हमारा QS का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, RS होगा। उसी तरह PQ का क्या होगा आपका बच्चों, PR होगा, ठीक है समझ में आ गया सब बच्चों को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब इसका लिखते हैं टू का बिट वन बिट टू क्या लिखेंगे हम बताओ।
फिगर देखो बताओ मुझे, एक मिनट, ये रहा, ये था ना फिगर आपका, देखो बताओ मुझे कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप लिखोगे नेमिंग, नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, नेमिंग आप क्या देखो बताओ, पहले लिखो ट्रायंगल पी, यहाँ पे देखो पी क्यू एस, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस, यस ये कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल किसके साथ, देखो आपने पी से क्यू को किया, फिर क्यू से एस को आया आपने, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे इस तरह ही आना है, जैसे आपने यहाँ पर लेफ्ट को जाके राइट को आया, पहले P से Q को गए, लेफ्ट को गए फिर राइट को गए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट से राइट गए, यहाँ पर आपको राइट से फिर लेफ्ट को जाना है, सिंपल सा बात है, उल्टा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रायंगल पी आर, देखो P से R को फिर R को S को, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको ऐसे भाई एस एस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि सारे साइड इक्वल है ना, ये सारे मैं पहले बता दिया हूँ, ये सब एस एस कंडीशन में होने वाला है, क्योंकि तीनों साइड तीनों को रेस्पॉन्डिंग साइड देखो मेजरमेंट सबका सेम ही, ये 3.5 3.5, ये 2.5 कॉमन, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो एक ऐसे कंडीशन से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, क्योंकि तीनों साइड को तीनों यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, पिछले वीडियो में भी समझाया था तीनों साइड इक्वल थे, इसलिए वो ऐसे कंडीशन में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये भी आपको तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, इसका मतलब ये ट्रिपल एस कंडीशन में कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। अब रहा तीसरा सवाल यहाँ पर।